सो हाय हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आज के मेरे इस ब्लॉग में आपके। और आज के इस ब्लॉग में क्या होने वाला है आई डोंट नो, बट कुछ तो होने वाला है। ये तो नेचुरल है, ये वॉलनट है भाई, वॉलनट कलर। तो इसमें क्या रंग डालते हो आप? यार एक काम कर लो, क्या कहाँ कलर पसंद करा दूंगा तुम्हें यार गद्दी का। चलो फिर सही से बैठना चाहिए ना, तो मजा आएगी या नहीं तो उसका। अब कलर नहीं बैठा तो क्या मजा आएगा बताओ। अरे वीडियो में तो मजा है, इसमें इसकी स्मेल बड़ी गंदी आती है यार, इसमें बहुत गंदी आती है इसकी। आओ कहाँ से छाटने हैं? यह मशीन नाम है आमिर। आमिर नाम है। अच्छा किस कौन सी दुकान है ये? नूर फर्नीचर। अच्छा तो भाई नूर फर्नीचर में देख लो भाई क्या क्या मिल रहा है देखो तो। अच्छा इधर आओ आमिर भाई, इधर आओ आमिर भाई। मालिक कौन है इसका? मालिक है नूर भाई। नूर भाई है। ओरिजिनल मालिक है या फर्जी है? अच्छा ठीक है, तो क्या क्या बनाते हो तुम? दरवाजे, चौखट वगैरह। ठीक है दर्वाजी। अच्छा तो जो तुमने मेरी डाइनिंग बनाई है, जो मेरा डाइनिंग टेबल बनाया है, वो कौन सी लकड़ी में बनाया है? सागौन। सागौन में? अच्छा और उसमें जो पेंट है वो कौन सा है? नेचुरल। नेचुरल तो नहीं है, वॉलनेट। क्या बोलते हैं? वॉलनेट है। अच्छा वॉलनेट अच्छा होता है कि नेचुरल अच्छा होता है? दोनों सही होता है। दोनों सही, जो कराना चाहे वो करा लो। अच्छा जैसे तुम्हें ऑर्डर मिलता है तो कितने दिन में पूरा कर देते हो? एक हफ्ते का टाइम चाहिए होता है। ठीक है अभी ये शायद किसी काम चल भी रहा है। कौन है भाई साहब? ये भाई साहब अभी काम चल भी रहा है, ये आगे भाई साहब आगे। अच्छा किचन का क्या रेट लेते हो? किचन का किसी को किचन बनानी हो तो? किचन का रेट हाँ हज़ार बनाएंगे। अच्छा 1000 रुपये स्क्वायर फीट। ठीक है और खिड़की वगैरह विंडो वगैरह क्या रेट है? दरवाजे वगैरह अगर कोई बनाता है तो? जैसे मैंने बनाए थे, मैं तो शायद 300 रुपये स्क्वायर फीट बनाए थे। 280 लग जाएगा। हाँ 280 तक खिड़की बन जाएगी। ठीक है विंडो बन जाएगी। और दरवाजे का? दरवाजा खिड़की दरवाजा नहीं, दरवाजा खिड़की अलग अलग रेट है। नहीं अलग रेट है ना उसका, जो दिले का 400। दिले का 400 है। और वैसे सिंपल वाला वो एक ही रेट 400 रुपये स्क्वायर फीट। अच्छा तो दरवाजा है 400 रुपये स्क्वायर फीट और खिड़की है 280 रुपये स्क्वायर फीट। खिड़की है 280 रुपये स्क्वायर फीट। 300 रुपये डबल जाली लगा के 300 रुपये डबल जाली लगा के सिंगल जाली लगा के 280। सिंगल जाली लगाई 280 ना? ठीक है अच्छा सिंगल जाली लगा के 280 और डबल जाली लगा के 300 और दरवाजा कितना? दरवाजा 350। दरवाजा 350 बोल दिया, देखो उन्होंने 400 बोला, 350 बोल दिया। 400 बोला यार उसने भी, वो 400 बोला। चलो 350 हो गया, टिंडर हो गया। 350 यार जिसको बनवाना हो तो। ठीक है और लकड़ी कौन सी दोगे? लकड़ी सागौन की। सागौन की दोगे। और अगर वो बनानी हो आपके चौखट बनवाने हो तो चौखट किसे? साल के अच्छे रहते हैं ना? साल के अच्छे रहते हैं। साल के चौखट 300। अच्छा चौखट शीशम की बनाए तो क्या होगा? टेढ़े जाएंगे? शीशम के नहीं बनाते, शीशम के चौखट। क्यों बनाते हैं? अरे नहीं बनाते हैं, ऐठन आती है ना, महंगा पड़ता है। महंगा तो साल है। अच्छा साल महंगा है। अच्छा कमला जी आप बताओ कौन सी लकड़ी यूज करनी चाहिए उसमें? बैठ के लिए बताओ। अंदर से सागौन की। शीशम की क्यों नहीं? शीशम की जो बेड के पाए बनते हैं उसमें शीशम की लगानी चाहिए। अच्छा पाए लगाने चाहिए शीशम के। हाँ अच्छा जैसे मुझे एक 6-4 का बेड बनाना है तो उसमें जैसे ये कह रहे हैं कि खाली वो बनाओ, सिराना मत बनाओ पीछे से, तो अगर सिराना बनाते हो उसमें नुकसान क्या है? सिराने में ये कह रहे हैं कि मजबूती नहीं आएगी। क्यों ना आएगी? तो आगे पाए लगा दो, उधर मोटा वो लगा दो, लकड़ी लंबी चौड़ी लकड़ी लगेगी। अच्छा तो भाई ये तो नूर फर्नीचर की दुकान है भाई, देख लो अच्छे से। ये लो विजिट करा दे तुम्हें, ये देखो ये भाई साहब हमारे पेंटर भाई साहब, बड़े जबरदस्त वाले। हाँ ये पेंटर भाई साहब बड़े जबरदस्त पेंटिंग करते हैं, दिखाएंगे आपको।
हाँ तब भी चालू था और क्या, देखो आप दिखाई दे रहे हैं कैमरे पे साफ साफ। चलो बाय कर दो फिर। अच्छा कर दो अरे ये नहीं चल रहा यार, बस ले यार करियो लिया बेकार है। ये वाला कलर है भाई हमारा। ये कलर कौन सा भैया? हाँ ब्राउन है? कलर कौन सा भाई? ये वाला, ये वो मट्टी कलर जैसा मटियारा कलर। हाँ मटियारा। तो जैसे कि आज जो वीडियो आपने देखा, इस ब्लॉग में जो भी वीडियो आपने देखा है, ये वीडियो काफ़ी पहले बना दिया गया था और अपलोड नहीं हो पाया था। मैंने बहुत कोशिश करी थी, नहीं हो पाया अपलोड। तो इससे पहला ये ब्लॉग था और ये ब्लॉग किसी कारण की वजह से आप तक नहीं पहुंच पाया, और तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको अपलोड कर दिया जाए। और सॉरी फॉर देट, मैं लेट हूँ, पर ये ब्लॉग ज़रूर देखिए, इन्जॉय कीजिए। और जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरी बहनें इस पे नए ऐड हैं, मेरे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर मुझे दें। और ऐसे खूब सारे वीडियोस मैं आपके साथ लाते रहूँगा, शेयर करते रहूँगा। और तो ये था आज का ब्लॉग, तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। क्या क्या है, कैसा है, कुछ रेट्स की मैंने बात करी थी। मिलते हैं अपने ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खूब सारा अपना प्यार देते रहें। जय हिंद।